हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम जानने से पहले हम ये जान लें कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम चांस है 80 से 90% इसके आने के। हर एग्जाम में बीएससी के किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है। और जो यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसमें एक साल के अल्टरनेट पर ये आता ही आता है। तो हेडिंग का नाम है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इस नाम से भी आ सकता है, या फिर फेज स्पेस डायग्राम ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या इस नाम से आ सकता है कि सो दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एलिप्स। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लगा रहेगा, बाकी इसमें से कुछ भी तरीके से इसे पूछा जा सकता है। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, इससे पहले आप पेंडुलम को देखें। पेंडुलम इस प्रकार से घड़ी के नीचे लगा हुआ, इस प्रकार घड़ी के नीचे ये पेंडुलम लगा हुआ होता है। इसे कहा जाता है बॉब, जिसका मास है एम, और ये स्ट्रिंग से अगर बंधा हुआ है तो इसका लेंथ है एल। इसके लिए सब चीज़ें कैलकुलेट करते थे। इसे मान लिया गया कि यहाँ इसे खींचकर और छोड़ दिया गया, तो अगर इसे खींचकर छोड़ दिया जाए तो ये करेगा टू एंड फ्रो मोशन, और इसे कहा जाएगा ऑसिलेशन, कंपन, बार बार ये मोशन दोहराया जाएगा। तो अगर देखा जाए, जब ये इधर की ओर आ रहा, तो जब ये इधर की ओर आ रहा है, खींच दिया गया, अब इसे छोड़ दें, तो इसकी स्पीड जो है इधर की ओर वेलोसिटी के साथ, ये किसी न किसी वेलोसिटी के साथ आगे की ओर मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होगी मैक्सिमम। अब यहाँ से कुछ हाइट पे पहुँचेगा, धीरे धीरे इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ फिर वहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न होगा तो यहाँ कुछ समय के लिए, बहुत कम, सेकेंड से भी कम समय के लिए यहाँ रुकेगा। तो जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है मिड पॉइंट में, यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम है वहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ वेलोसिटी मिनिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और यहाँ कुछ सेकेंड से भी कम टाइम के लिए यहाँ रुक रहा, तो रुकने की वजह से यहाँ हो गई काइनेटिक एनर्जी जीरो, और सारी की सारी एनर्जी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अर्थात इसमें काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा। अब बात करते हैं, मान लिया गया कोई एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से बना लिया गया, ये नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग को बना लिया गया, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल या कोई इस प्रकार से ब्लॉक बांध दिया गया, ये हो गया नॉर्मल पोजीशन। अब उसके बाद मान लिया गया कि इसे कंप्रेस कर दिया जाए, अगर इसे कंप्रेस कर दें इस स्प्रिंग को, तो इसकी ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो गया कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस्ड होने की वजह से ये एक्स डिस्टेंस, यहाँ से अगर देखा जाए नॉर्मल पोजीशन से, तो ये एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हो गया। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 kx². अब अगर इसे कंप्रेस करने के बाद अगर इस पर से फोर्स हटा लिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो ये बाहर की ओर धक्का देगा और ये स्प्रिंग जो है आगे पीछे मूव करेगी, तो ऑसिलेशन इसमें भी होगा, और छोड़ते ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और ये ब्लॉक छोड़ते ही ब्लॉक कहीं दूर जाकर गिरेगा। तो इस प्रकार से ये छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो एनर्जी है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसे छोड़ेंगे तो ये तेज़ी के साथ इधर की ओर मूव करेगी, तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। कंप्रेस कंडीशन में इसमें हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और जब इसे रिलीज करेंगे, इस पे से फोर्स हटाएंगे, तो उसमें आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, ऐसी बात आप पढ़ें। तो लिख लिया गया, तो इसे कह लिया गया कि कंसिडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास एम एंड फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी को न्यू से यहाँ पढ़ना है, लेकिन आप इंटरमीडिएट में एफ से पढ़ें तो एफ से ही हम लोग पढ़ते हैं। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास एम, मास इसका हो गया एम, स्मॉल एम, एंड फ्रीक्वेंसी एफ विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या है, ऑसिलेशन हम पढ़ें इससे पहले, तो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, फ्री ऑसिलेशन की बात करें अगर, तो फ्री ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसके एम्पलीट्यूड में कमी नहीं आती, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड वही रहता है, जैसे पेंडुलम।
फिर दूसरा ये तो हो गया फ्री ऑसिलेशन, जिसके एम्पलीट्यूड में कमी नहीं आ रही है। दूसरा डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होगा कि जिस भी ऑसिलेशन से ये जिस भी एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट कर रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड लगातार टाइम के साथ घटता जाएगा और धीरे धीरे ये रुक जाएगा। जैसे झूले को धक्का दे के एक बार छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ये हो गया डैम्ड ऑसिलेशन, और डैम्ड फोर्स इस पर लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन और रस्सियों का फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये झूला लगातार धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते ये रुक जा रहा है। तो ये इस प्रकार का, इस पर कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो डैम्पिंग फोर्स नहीं लगा हुआ है मतलब इसके एम्पलीट्यूड में कोई कमी नहीं आएगी। तो डैम्पिंग फोर्स आप समझ गए, जिसकी वजह से इसके एम्पलीट्यूड में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से ये रुक जा रहा है। आप पढ़े भी हैं चार टाइप के फोर्स, चार टाइप के ऑसिलेशन की, फ्री ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड में कमी नहीं होगी, डैम्ड ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार टाइम के साथ घटता जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे, फोर्स्ड ऑसिलेशन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगे, जैसे कि मोबाइल, टेबल पर रखा हुआ मोबाइल, और फिर लास्ट है मेंटेन्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, जिसमें क्या होगा कि किसी झूले को एक बार झूला के छोड़ दिया गया और कोई व्यक्ति पीछे से उतना ही फोर्स लगा के बार बार उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर रहा है, उसी को बराबर रख रहा है, तो इसे कहा जाएगा मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो ये सब बातें आप पढ़ें, तो उसी में डैम्ड ऑसिलेशन है जिसके एम्पलीट्यूड में लगातार आएगी कमी। तो ऐसा कोई फोर्स, डैम्पिंग फोर्स लगा ही नहीं है जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड वही का वही रहेगा, तो डैम्ड फोर्स कोई नहीं है, इसी बात को कहा गया। तो कंसीडर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास स्मॉल m, फ्रीक्वेंसी m, फ्रीक्वेंसी f विदाउट एनी डैम्पिंग फोर्स। अब उसके बाद इट इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सो फेज डायग्राम्स कंटेन्स वन पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो वन पोजिशन कोऑर्डिनेट के लिए लिख दे x, एंड वन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए लिख दिया गया px। अब अगर इस सिस्टम में देखें, अभी जो बनाए थे तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाएगा, तो इस सिस्टम में जो है वो अभी देखे ही थे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो सिस्टम में टोटल एनर्जी जो है वो सम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख सकते हैं इस बात को, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख दे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बात को स्प्रिंग और उस ब्लॉक के सहायता से हम समझ भी चुके थे कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जब फोर्स रिलीज कर दें, हटा दें, तो वो झटके के साथ बाहर की ओर स्प्रिंग का फैलाव होगा, जिसकी वजह से उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो दो टाइप की एनर्जी हो गया इसमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की बात करें इसे लिख ले के ई, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया गया पी ई। अब अगर टोटल एनर्जी ई की बात करें, इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv² 1/2 mv² वेलोसिटी जो है वो एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस है तो इसके सफिक्स में एक्स भी लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर, या केवल वेलोसिटी लिखते हैं तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी वी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², यहाँ से लिख लिया गया 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी अभी वहाँ पे फाइंड किया गया था, ये होता है 1/2 kx², और इसका डेरिवेशन आप पढ़ें, इंटरमीडिएट में पढ़ के ही आएँ। तो यहाँ हमें डेरिवेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे के क्या स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं। तो अब उसके बाद अब इसे हमें करना होगा सॉल्व। सॉल्व करने के लिए ये जो है वो है मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को कहा जाता है मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कहा जाता है मोमेंटम पी। तो अगर इसमें मास का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 m² v² m² v² अपॉन, एक मास का नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया m, प्लस 1/2 kx². अब मास इनटू वेलोसिटी को कहा जाता है मोमेंटम, तो एम वी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी की जगह रख सकते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए पी लिखें या
पी एक्स लिखें, दोनों बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 1/2 पी एक्स लिख दें या पी लिख दें, केवल पी से ही काम चला दें, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एम प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर इसे अरेंज करें, रीअरेंज करें, तो इसे लिख सकते हैं ई को अपॉन में भेजा जा सकता है, ई को अगर अपॉन में भेजें तो इधर बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m ऑलरेडी था, इसमें e भी आ गया, ये हो गया 2me प्लस, यहाँ से अगर देखें तो ऊपर है के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और e आ जाएगा, ये हो गया e। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2me प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2e। अब अगर नेक्स्ट लाइन में लिखें इसे तो फिर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2me, पी स्क्वायर बाई 2me इसमें लिखा हुआ है प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2e, तो यहाँ है के एक्स स्क्वायर बाई 2e इज इक्वल टू है 1, इज इक्वल टू है 1, तो यही चीज़ वहाँ लिख दिए। अब देखें अगर इसे तो के एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अगर इसे डिवाइड में लिखना हो तो इसे लिखा जा सकता है 2e बाई के, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अगर इसे रीअरेंज करें तो फिर से लिखा जा सकता है इसे, पहले x वाले टर्म को लिख लें तो एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई के प्लस पी स्क्वायर बाई 2me इज इक्वल टू 1, और इस इक्वेशन को ही कहा जाता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन फेज स्पेस एक्स पी एक्स, इन फेज स्पेस एक्स पी एक्स, क्योंकि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वेशन की तरह ही है, और ये होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मतलब जो ये इक्वेशन है ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एलिप्स। तो कहेंगे इस इक्वेशन को अगर बना लिया जाए इक्वेशन नंबर 1, तो कहा जाएगा कि इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एलिप्स। तो अगर केवल इतना ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ तक करके हम छोड़ देंगे, इसे लिख देंगे कि दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई के प्लस पी स्क्वायर बाई 2me इज इक्वल टू 1, एंड दिस शोज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एलिप्स, और इतना क्या के ये एक्सप्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन हमें फाइंड करना है फेज स्पेस डायग्राम भी, तो फेज स्पेस डायग्राम फाइंड करने के लिए अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हो गया, और ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है वो है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इन दोनों का कंपेयर करेंगे, फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यू जो कि मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है, उसके आधार पर ड्रा करेंगे इसके लिए डायग्राम, और फिर फाइंड कर लिया जाएगा इसके लिए फेज स्पेस। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करने पे, कंपेयर करें तो क्या मिलता है, यहीं से देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2e बाई के, और यहाँ एक्स इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अगर देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 2e बाई के, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 2e बाई के। दूसरा अगर सेकेंड टर्म देखें पी स्क्वायर अपॉन 2me, और यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब y एक्सिस के लिए ये अपॉन में बी स्क्वायर, मतलब माइनर एक्सिस क्या है ये 2me, और यहाँ इसकी वैल्यू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2me, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2me। तो अगर a की वैल्यू हमें चाहिए तो a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2e बाई के, और b इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट 2me। अगर इलिप्स के लिए बनाए, इलिप्स को ड्रॉ करें यहां, तो बनाया जा सकता है इस प्रकार से, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस के अलॉन्ग ये हो गया, y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग लिखें मोमेंटम कोऑर्डिनेट px,
तो ए मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है ए, और ए की वैल्यू है टू ई रूट टू ई बाई के, ये ए मेजर एक्सिस, ये हो गया रूट टू ई बाई के, और बी ये वैल्यू हो गई बी की, बी के लिए अगर वैल्यू देखें तो ये अंडर रूट टू एम ई, अंडर रूट टू एम ई। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, जो ये इक्वेशन है ये इक्वेशन शो कर रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो कह सकते हैं शो इक्वेशन एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर वन, या लिख दें तो काम ही आएगा अपने। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू ई बाई के प्लस पी स्क्वायर बाई टू एम ई इज इक्वल टू वन इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड इलिप्स एंड। अब अगर कांस्टेंट एनर्जी की बात करें तो जो कांस्टेंट एनर्जी लाई कर रही है वो इसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रही है, तो सरकमफेरेंस पे लाई कर रही है। अब जीरो से ई एनर्जी के लिए हमें फाइंड करना होगा इसका पूरा एरिया, क्योंकि जो एनर्जी ई एनर्जी लाई कर रही है वो इसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रही है। तो जीरो से ई एनर्जी तक की बात करें पूरा, तो पूरा इसका फाइंड करना पड़ेगा एरिया। तो लिख दे अगर पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी एंड पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, पॉइंट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी लाइज ऑन द सरकमफेरेंस, कांस्टेंट एनर्जी लाइज ऑन, लाइज ऑन इट्स सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हैविंग हैविंग, अब क्या क्या ये मेजर एक्सिस, हैविंग मेजर एक्सिस, हैविंग मेजर एक्सिस। तो हैविंग मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है ए, और ए की वैल्यू हमें क्या मिली, ए की वैल्यू है अंडर रूट टू ई बाई के, तो ये हो गया अंडर रूट टू ई बाई के। एंड माइनर एक्सिस की बात करें, ये हो गया माइनर एक्सिस b इज इक्वल टू, तो माइनर एक्सिस b इज इक्वल टू हो गया रूट टू एम ई, अंडर रूट टू एम ई, अंडर रूट टू एम ई। अब एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें तो ये जानते हैं पहले का ही पढ़ के आए कि एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, तो एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। तो एरिया फिलिप्स होता है पाई ए बी, और हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फेज स्पेस फाइंड करने के लिए। तो पूरा का पूरा ये फेज स्पेस फाइंड करने के लिए इस जो एलिप्स है इसका पूरा का पूरा फाइंड कर लें हम लोग एरिया। तो पूरा का पूरा एरिया अगर फाइंड कर लें तो वो मिल जाएगा हमें फेज स्पेस। अब फेज सेल, फेज सेल की बात करें तो फेज सेल है एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू है एच स्मॉल, अगर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू की बात करें तो। फिर y इंटू पी वाई इज इक्वल टू है h, z इंटू पी जेड इज इक्वल टू है h। तो ये हो गया फेज सेल। अब पूरा का पूरा जो इलिप्स बना है, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है, अगर इसका पूरा का पूरा एरिया फाइंड कर लिया जाए पाई इंटू ए इंटू बी से, तो पाई ए बी ये हो जाएगा पूरा फेज सेल का एरिया, और ये एक फेज सेल का एरिया। तो टोटल एरिया से वन डायमेंशनल है, तो टोटल एरिया फाइंड कर लें अपॉन वन फेज सेल का एरिया फाइंड कर लें, उसे डिवाइड कर लें, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फेज सेल। तो यही बात करना है, तो हमें सबसे पहले तो इसके लिए फाइंड करना होगा एरिया। तो एरिया फाइंड करें, तो इस बात को लिख के फाइंड कर रहे हैं कि एरिया ऑफ फेज सेल, और फिर उसके सॉरी एरिया ऑफ फेज स्पेस अपॉन फिर हो जाएगा एरिया ऑफ फेज सेल। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस के लिए फॉर्मूला है पाई ए बी, और एरिया ऑफ फेज सेल है एक्स इंटू पी एक्स इज इक्वल टू एच, उससे डिवाइड करेंगे मिलेगा हमें नंबर ऑफ फेज सेल। तो एरिया ऑफ फेज स्पेस इज इक्वल टू पाई ए बी, क्योंकि एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला होता ही है पाई ए बी। तो पाई इंटू ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ए की वैल्यू मेजर एक्सिस है, मेजर सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है अंडर रूट टू ई बाई के,
ये हो गया अंडर रूट 2e बाई के इंटू बी की वैल्यू की बात करें तो बी की वैल्यू है सेम ही माइनर एक्सिस है अंडर रूट 2me, अंडर रूट 2me। तो दोनों अंडर रूट में है तो साथ में ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है, अंडर रूट में लिख दिए इकट्ठे सबको, ये हो गया 2e बाई के इंटू 2me, जो दो बार है वो बाहर आ जाएगा इस अंडर रूट से, तो 2 into 2 स्क्वायर और स्क्वायर हट गया, ये हो गया 2πe, भी दो बार है ये हो गया 2πe, अंडर रूट के अंदर बचा क्या, अंडर रूट के अंदर बचा m बाई k। तो ये हो गया एरिया ऑफ फेज स्पेस, ये पूरे का एरिया हमें मिल गया एरिया ऑफ फेज स्पेस। अब एक सेल का अगर एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ फेज सेल लिखें, एरिया ऑफ फेज सेल या एरिया ऑफ ईच फेज सेल वही होगा, एरिया ऑफ ईच फेज सेल। तो ईच फेज सेल होगा कितना, तो x इंटू पी एक्स की वैल्यू होगी h, y इंटू पी वाई की भी वैल्यू होगी h, और z इंटू पी जेड की भी वैल्यू होगी h। तो सब वैल्यू सबका एरिया एक बराबर है, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x इंटू पी एक्स इज इक्वल टू h हो गया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फेज सेल, तो फाइंड कर लें नंबर ऑफ फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल इन एनर्जी रेंज, इन एनर्जी रेंज 0 to e। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ फेज स्पेस, ये पूरा का पूरा एरिया, अपॉन एरिया ऑफ वन या एरिया ऑफ सिंगल फेज सेल, उसे भाग दे दें तो नंबर ऑफ फेज सेल मिल जाएगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला अगर लिखें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ फेज स्पेस। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ये पूरा का पूरा फेज स्पेस, एरिया ऑफ फेज स्पेस अपॉन एरिया ऑफ वन फेज सेल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ फेज स्पेस हमारे पास है 2πe अंडर रूट m बाई के अपॉन एरिया ऑफ वन फेज सेल, और एरिया ऑफ फेज सेल सभी फेज सेल का जो एरिया है वो है h। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेज सेल मिल गया हमें, ये क्या मिला 2πe बाई h अंडर रूट m बाई के। तो ये वैल्यू हमें मिल गई नंबर ऑफ फेज सेल इन एनर्जी रेंज 0 to e, इसकी वैल्यू हमें मिल गई, कितनी वैल्यू मिली 2πe बाई h अंडर रूट m बाई के, और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर ऑफ फेज स्पेस को साई से साई और एनर्जी रेंज e के लिए फाइंड कर लिया गया। अब उसके बाद एक बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो इस प्रकार से जो स्प्रिंग में मास बंधा हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी की भी बात करें, अगर ये मास बंधा हुआ था उसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होता है फ्रीक्वेंसी f इज गिवन बाई f इज इक्वल टू होता है 1/2π अंडर रूट के बाई m। तो f इज इक्वल टू हो गया 1/2π रूट के बाई m, अगर इसे इनवर्स लिखें तो लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 2π रूट m बाई के। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 2π रूट m बाई के, अगर इस वैल्यू को इसमें प्लेस करें तो नंबर ऑफ फेज सेल हो गया साई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या हो गया ये 2π। तो अगर इसे रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2πe को लिखा जा सकता है e इंटू 2π बाई h और अंडर रूट में है यहाँ पे m बाई k। तो अगर इस टर्म को देखा जाए तो इसकी जगह रखा जा सकता है 1/f, और 1/f रखें तो जो नंबर ऑफ फेज सेल है इसे लिखा जा सकता है साई इज इक्वल टू e बाई h इंटू, और इसकी जगह हमें रखना है 1/f, ये हो गया 1/f।
अगर न्यू रखे होते फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू एक्सप्रेशन लिए होते तो न्यू या फिर एफ। अब उसके बाद अगर ई की वैल्यू की बात करें तो इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इज इक्वल टू साई ई एच एफ। ये क्या है, ये एनर्जी और साई ई है नंबर ऑफ फेज सेल। मान लिया गया नंबर ऑफ फेज सेल जो है वो है केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यूज, तो लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ फेज सेल, इफ नंबर ऑफ फेज सेल, इफ नंबर ऑफ फेज सेल कैन टेक, इफ नंबर ऑफ फेज सेल हैज इंटीग्रल वैल्यूज, लिख दें हैज इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज या ऑसिलेशन इस प्रकार से होंगे कि इसके इंटीग्रल वैल्यूज नंबर ऑफ फेज सेल के इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ही होंगे, तो इसे लिखा जा सकता है साई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 up to ... तो या फिर उसकी जगह रख सकते हैं n, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू साई ई की जगह n इंटीग्रल वैल्यू n इंटू एच इंटू एफ। इस प्रकार से कह सकते हैं जो ये एनर्जी हो रहा है वो डिस्क्रीट स्टेट्स में ही हो रहा है और ये इंटीग्रल मल्टीपल है, तो लिख दें इस बात को 10 एनर्जी कैन अकर, एनर्जी कैन अकर इन डिस्क्रीट स्टेट्स ओनली, इन डिस्क्रीट स्टेट्स ओनली, इन डिस्क्रीट स्टेट्स ओनली एंड हैज इंटीग्रल मल्टीपल, एंड हैज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन और यहाँ तक तो हमें इम्पोर्टेंट करना ही करना है साई इज इक्वल टू ई बाई एच एफ। उसके बाद तो इसे केवल रीअरेंज कर लिया गया कि मान लिया गया नंबर ऑफ फेज सेल जो है इंटीग्रल वैल्यू है, फिर उसके बाद ये एनर्जी कैन अकर इन डिस्क्रीट स्टेट्स ओनली, मतलब 0, 1, 2 चाहे इनकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 up to ... तो ये था फेज सेल के लिए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फेज सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो अगले बार मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।